दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के एक बहुत ही खूबसूरत शहर और राजस्थान राज्य के तीसरे सबसे बड़े शहर जोधपुर को अच्छे से एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है, तो वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको और भी ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहे। दोस्तों जोधपुर शहर राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों राव जोधा ने 12 मई 1459 ने यहाँ के जोधपुर शहर की स्थापना की और नामकरण उन्हीं के नाम पर किया गया है। दोस्तों जोधपुर शहर कुल 400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ राजस्थान राज्य का एक खूबसूरत शहर है। दोस्तों जोधपुर शहर की जनसंख्या कुल 25 लाख के पार है जो कि यह बताता है कि जोधपुर शहर राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों जोधपुर शहर कुल 400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है जो कि अपने आप में एक विशाल और खूबसूरत शहर का स्थान रखता है। दोस्तों जोधपुर शहर जिसकी कुल जनसंख्या लगभग 25 लाख के पार है, इसे सूर्य की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पर स्थित मेहरांगढ़ दुर्ग को घेरे हुए हजारों नीले मकानों के कारण इसे नीली नगरी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों सूर्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध जोधपुर शहर की पहचान यहाँ के महलों और पुराने घरों में लगे छीतर के पत्थरों से होती है। दोस्तों जोधपुर शहर के साथ साथ एक जिला भी है जिसका मुख्यालय जोधपुर शहर में ही है जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों जोधपुर सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यह अपनी महान सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक धरोहर के लिए पूरे संसार में मशहूर है। अपने महलों और किलों के कारण यह पर्यटक को बहुत आकर्षित करता है। दोस्तों जोधपुर शहर के लोग बहुत मिलनसार होते हैं, ये हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। वैसे दोस्तों भारत के राजस्थान राज्य में भले ही रीत है पर इसका अपना अलग पहचान है। वैसे दोस्तों राजस्थान राज्य के ऊपर हमने पहले से ही कंप्लीट वीडियो कर रखा है जिसमें हमने उसके खूबसूरती, हिस्ट्री, टूरिज्म और कल्चर को भी अच्छे से एक्सप्लोर किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के बाद उसे भी जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। खैर दोस्तों जोधपुर शहर को सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है और दोस्तों जोधपुर शहर की कुल जनसंख्या 25 लाख के पार है। दोस्तों राजस्थान में जोधपुर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे है, दूर दूर से विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। दोस्तों जोधपुर को सीए की खान भी कहा जाता है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट यहीं से निकलते हैं। दोस्तों जोधपुर को राजस्थान की न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। राजस्थान का उच्च न्यायालय भी जोधपुर में ही स्थित है तथा जोधपुर पूरे विश्व से जुड़ने के लिए यहाँ पर हवाई अड्डा भी मौजूद है। इसके अलावा पूरे राजस्थान के प्रसिद्ध विभाग जैसे मौसम विभाग, नॉर्केटिक विभाग, सीबीआई, कस्टम, वस्त्र मंत्रालय आदि मौजूद हैं। दोस्तों अगर जोधपुर शहर के इतिहास की बात करें तो राजपूतों के आने से पहले भी अविरस जोधपुर के निवासी और जोधपुर शहर की स्थापना 1459 में राव जोधा एक राजपूत प्रमुख द्वारा की गई थी जो कि राठौर कबीले के थे। दोस्तों इन सभी के साथ साथ जोधपुर शहर में कई ऐसे जगह हैं जहां आप घूमने भी जा सकते हैं जिनमें मेहरांगढ़ दुर्ग, घंटाघर, जसवंत थड़ा, चामुंडा माता मंदिर के नाम सबसे पहले आते हैं। वैसे दोस्तों आपको कैसा लगा भारत का यह शहर, आप हमें कमेंट करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको और भी ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहे। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।